दौसा में एक वकील के अपहरण का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए वकील को महज 8 घंटे के भीतर अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ा लिया। वहीं अपहरण के आरोप में एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। कोतवाली थाना प्रभारी राजेश मीणा ने बताया कि वकील रमेश सैनी शनिवार को घर से निकला था। आरोपी उसे बहाने से गंगापुर ले जाकर उसको बंधक बनाया उन्होंने और इसके बाद वकील के परिजनों से 15-20 लाख की फिरौती की मांग की। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने महज 8 घंटे में वकील को मुक्त कराया और साथ ही आरोपी निरंजन गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। बच्चे और बच्चियों का जो तालमेल है वो नहीं बैठ रहा है, तो इनका तलाक कराना है। इनके राजीनामे से तलाक 13B में होना है। शर्मा है, अपने आप को शर्मा बताया। फिर इन्होंने गुरुवार को मेरे पास फ़ोन किया, मैं वहाँ पे शुक्रवार को सुबह ही पहुँच गया 9:30 बजे करीब। फिर वहाँ इन्होंने मेरे फीस भी दी है आदि, और फिर इन्होंने बोले कि लड़के वाले हैं वो गंगापुर वहाँ पे एग्रीमेंट कराएंगे पहले, तो अभी साधन चल नहीं रहे तो आप चलो और वहाँ पे एग्रीमेंट करा के और फिर अपन वापस लौट आएंगे। मेरी 21,000 रुपये फीस इनसे तय हुई थी, 10 इन्होंने दे। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV न्यूज़, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।